हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं राघविंद पाल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं सिंगल फिलर्स लेकर आया हूँ आपके लिए। ये 10 क्वेश्चन हैं, आपको बहुत मदद करेंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो उस एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आती है तो आपको सिंगल फिलर्स कई बार देखे जाते हैं। क्वेश्चन उठता है कि वॉट इज सिंगल फिलर, सिंगल फिलर क्या है? तो सिंगल फिलर का मतलब होता है जो एक वर्ड में भरे जाएं, जैसे कि यहाँ पर एक डैश दिया इस क्वेश्चन में तो ये सिंगल फिलर है। यहीं पे अगर डबल फिल इन द ब्लैंक्स होते तो वो डबल फिलर्स होते। तो कई एग्ज़ाम में सिंगल फिलर्स पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इन सिंगल फिलर्स को बहुत ही अच्छा कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ जवाब देते जाएं और कोशिश करें कि मुझसे पहले जवाब दें, अपनी कॉपी में लिख लें, एंड में मुझे बता देना कि कितने आपके सही निकले। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू प्रेफर द थिएटर डैश द सिनेमा? अच्छी बात है कि ऑप्शन हमारे सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर, सेकेंड अगेंस्ट, थर्ड टू और फोर्थ देन। क्या लग सकता है यहाँ पर? तो देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ। जब कभी भी आपको प्रेफर किसी सेंटेंस में दिखाई दे, आंख बंद कर कर टू आंसर कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेफर किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो आंख बंद कर कर टू आंसर कर देना। क्यों? क्योंकि प्रेफर टू एक फ्रेजल वर्ब है और प्रेफर के साथ टू का हमेशा प्रयोग किया जाता है। जब हम दो चीज़ों में किसी एक को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसको दिखाने के लिए प्रेफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर इट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा हमारा सही हुआ? सी वाला। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी, अब हमने पहले वाले में सीख लिया है कि प्रेफर अगर आएगा तो हमारा टू आंसर होगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड है, रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। तो आई थिंक यहाँ पर लॉट नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं क्वेश्चन में। रवि हैज़ बीन डिमांडिंग मोर मार्क्स डैश हैजेंट ही, इजेंट ही, इजेंट इट या डजेंट ही। तो सब लोग ध्यान से एक बार और समझ लें। जब कभी भी ऐसे आए, जैसे इसमें लिखा है ना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क अगर आए तो समझ लेना ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, क्वेश्चन टैग का है। ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जब हम हिंदी में है ना बोलते हैं। जैसे आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो अपन लोग कई बार बोलते हैं ना, है ना, मतलब हम किसी सामने वाले का हाँ या ना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहमत हो या नहीं हो, आपको इतना बताना है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा आंसर? तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देनी है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब हमारी ये रही, हैज। अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव में ले जाना है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव में ले जाना है। तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज है तो इसका नेगेटिव हैज़ नॉट, यानी कि हैजेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट लड़का है तो इसकी जगह क्या करते हैं, ही। मतलब उससे पूछ रहे हैं कि आप ऐसा है क्या, तो इसका आंसर होना चाहिए हैजेंट ही, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। दो क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो बहुत बहुत बधाई। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आगे ट्राई करो। 10 क्वेश्चन है सिर्फ, 10 क्वेश्चन में से बताना, मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि कितने सही निकले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। वॉट डैश इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ? एक बात क्लियर हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर कि यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, और जब कभी भी सिंस लगा होता है किसी क्वेश्चन में, जब कभी भी सिंस लगा होता है या फिर फॉर लगा होता है तो वो टाइम की बात करता है। सिंस या फिर फॉर लगा होता है तो हमेशा वो टाइम की बात करता है, यानी कि आगे हैज़ बीन या हैव बीन आंसर होना चाहिए। अब वॉट लगा है तो वॉट के हिसाब से क्या आना चाहिए? हैव। अब सब्जेक्ट यू है क्योंकि ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद बीन लगा देंगे। वॉट हैव यू बीन? अब हमें ध्यान होगा कि हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो वॉट हैव यू बीन डूइंग, यानी कि कौन सा आंसर सही हुआ? सी वाला बिल्कुल सही हुआ। आप मेरे से पहले ट्राई करें,
तब आपका पता चलेगा कि हमारी क्षमता कितनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। योर आंसर बुक विल बी डैश विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब आपको क्या करना है, क्या होता है कि सिंगल फिलर में आपके ग्रामर भी मजबूत होना चाहिए, वर्ड्स भी मजबूत होना चाहिए। जैसे इसमें वर्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कि वर्ड का आपको ध्यान से देखना है कि कैसे वर्ड को हम फिट करें। जैसे योर आंसर बुक विल बी डैश विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। एक बात एकदम क्लियर हो रही है कि कंप्यूटर की सहायता से हमारी आंसर बुक को जांचा जाएगा, और जब आंसर बुक को जांचा जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवेल्यूएट। ध्यान रखना, ना कि जज या टेस्ट या फिर सीन। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, एवेल्यूएट। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, सी वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ग्रामर भी मजबूत करनी है, वर्ड्स भी मजबूत करने हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन है, नन ऑफ द गेस्ट डैश टू द ब्राइट। देखो ऑप्शन के लिए भी हमेशा हमें जाना चाहिए, ऑप्शन भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। नन ऑफ द गेस्ट, एक बात तो वैसे ध्यान ही रख लो, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि जब कभी भी नन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए नंबर 1 पे, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, तो आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। ध्यान रख लो आप लोग, आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो वैसे तो मुझे तो एक नज़र में ही आंसर समझ में आ गया, बट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि नन ऑफ द गेस्ट डैश टू द ब्राइड, मतलब कि किसी भी मेहमान को ब्राइड से, ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन से परिचय नहीं कराया गया। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये पैसिव वॉइस है, यानी कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, वॉज इंट्रोड्यूस या फिर वर इंट्रोड्यूस्ड। अब दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, नन लगा इसलिए सिंगुलर वर्ब की तरफ जाएंगे और आंसर कर देंगे हमारा वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 ही बाकी हैं। अगर आप अभी तक रुके हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप एंड तक जरूर रुकोगे और 5ों को और समझोगे, क्लियर करोगे और मुझे बताओगे कितने सही निकले। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन है, ही वॉज डैश टू टेक कंप्लीट रेस्ट बाय हिज फिजिशियन। फिर एक बर्ड का क्वेश्चन आ गया, ग्रामर को हटके, ग्रामर हटके, अब बर्ड वाली क्वेश्चन फिर आ गया कि उसको ही वॉज इन्फॉर्म किया गया, कि टोल्ड किया गया, कि एडवाइज किया गया, कि डायरेक्टेड किया गया। तो भैया अगर आप फिजिशियन के पास जाओगे तो फिजिशियन कौन होता है पहले तो ये बताइए। तो हमें पता है कि फिजिशियन एक डॉक्टर होते हैं जो नॉर्मल हमारा चेकअप करते हैं। फिजिशियन कभी आपको डांटेगा क्या, कभी आपको बताएगा क्या, कभी आपको सूचित करेगा क्या? नहीं, आपको सलाह देगा कि आप अब आपको कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, एडवाइज्ड आंसर होगा। सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं अभी तक, अगर आप रुके हो तो आपको और रुकना है और 4ों क्वेश्चन और करने हैं, फिर मुझे बताना है कि कितने सही निकले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेट बैंक इज डैश अ न्यू ब्रांच हेयर टुमारो। कल स्टेट बैंक यहाँ पर एक नई ब्रांच यानी कि नई शाखा खोलने जा रही है। देखो जब पहले से ही कोई कंपनी, कोई भी चीज़ मौजूद है तो एस्टेब्लिश लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता है इसके पीछे, इसीलिए क्यों, क्योंकि जब कभी भी कोई नई चीज़ होती है तब हम एस्टेब्लिश लगाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग चला गया, बिगिन हो नहीं सकता है क्योंकि वो पहले ही से बिगिन हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है स्टेट बैंक। स्टार्टिंग और ओपनिंग में एक कोई हो सकता है, तो हम लोग किसके लिए जाएंगे, सी वाले आंसर के लिए जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं हो रही है, ओपन हो रही है, यानी कि ब्रांच जो है वो खुल रही है। तो 7 क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ बचे हैं 3 क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन आप में आपका फिर से स्वागत है, और देखते हैं अगर आपके 7ों के 7 सही निकल गए हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, नहीं निकले हैं तो चेक तो करते जाओ कि कितने सही निकलते हैं। वन शुड एक्सरसाइज डैश राइट टू वोट। क्या लगना चाहिए, आंख बंद करके बता दो भैया, बन के साथ क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए, ही के साथ क्या होना चाहिए, हेज होना चाहिए, सॉरी ही के साथ हेज होना चाहिए, वन के साथ वंस होना चाहिए, वी के साथ आवर होना चाहिए, दे के साथ देयर होना चाहिए। तो इसमें तो हम पैसिव आंसर बता देंगे, क्या आंसर होगा हमारा, वंस आंसर होगा, क्योंकि वंस शुड एक्सरसाइज वंस राइट टू वोट, यानी कि हर किसी को अपने वोट का अधिकार, यानी कि जो आपको वोट का अधिकार मिला है उसका यूज करना चाहिए।
बचे हैं सिर्फ दो क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। द मैटर मस्ट बी कंसिडर डैश एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, इस मैटर को कंसिडर किया जाना चाहिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताओ से मैं बोल रहा हूँ क्या आंसर होगा, जब मैं से बोल रहा हूँ तो क्या आंसर हो सकता है, क्या विथ का मतलब से निकलता है, कभी कभी तो निकलता है जब हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ते हैं तो, फ्रॉम का मतलब भी से निकलता है, एट और इन का मतलब से नहीं निकलता, यानी कि इन दोनों को तो हम वैसे ही क्रॉस कर देंगे, है ना। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम। द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर को समझना चाहिए। अब बचा है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो अब क्यों जा रहे हो, अब तो टेंथ क्वेश्चन देख के ही जाओ लास्ट वाला। ऑल द एलिगेशंस डैश हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस, जितने भी एलिगेशंस, एलिगेशंस मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग किसी पे आरोप लगाते हैं उनको एलिगेशंस बोलते हैं। तो ऑल द एलिगेशंस यानी जितने भी आरोप लगे थे किस उसके खिलाफ, देखो जब भी आरोप लगता है तो किसी के खिलाफ लगता है, तो लगे थे हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस, उनको आधारहीन बिना मतलब का माना गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, लेबल्ड अगेंस्ट, क्योंकि अगेंस्ट लगा हुआ तो हम समझ गए कि इसमें लेबल्ड अगेंस्ट हमारा आंसर होगा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने सही निकले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।